बार थाना क्षेत्र के शहरी में गोलीकांड में एक नया मोड़ आ गया है। जमीन देखने गई मां बेटी को गोली मार दी गई, जिसमें बाढ़ एएसपी अपराजित लोहान ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जमीन देखने गई अपनी बेटी के साथ सीता देवी और उनकी बेटी कंचन देवी के साथ शहरी गांव में अपनी जमीन देखने को आई हुई थी। इसी दौरान कंचन देवी के पति ने मां बेटी को गोली मार दी। प्रथम दृष्टा में यह घरेलू विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है। बताया जाता है कि कंचन देवी और सीता देवी डहमा गांव की निवासी हैं। जानकारी के अनुसार कंचन देवी बिहार पुलिस की जवान है, जिसे पति से विवाद था। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटनास्थल से पुलिस जो है खोखा भी बरामद की है। हालांकि मां बेटी गंभीर स्थिति में पीएमसीएच रेफर हो गई है, जहां पर एक महिला को सर में गोली लगी हुई है। बताया जाता है कि दोनों की स्थिति गंभीर बताई जाती है। दोनों शहरी गांव के पास स्थित एक जमीन देखने के लिए आई हुई थी, इसी दौरान यह घटना घटी है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 26 मई 2024 को बार थाना अंतर्गत शहरी गांव से यह सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर दो महिलाओं को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। बार थाने की टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना जो पीओ है उसका निरीक्षण किया गया। वहां पे दोनों महिलाओं की पहचान करवाई गई तथा उन्हें पीएमसीएच में शिफ्ट कराया गया। वो दोनों महिलाएं हैं कंचन देवी तथा उनकी मां सीता देवी। अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि जो कंचन देवी हैं, उनका उनके पति के साथ में लगातार विवाद चल रहा था। जो घटनास्थल का निरीक्षण करने पर वहां से खोखा बरामद किया गया है तथा वहां पर उनकी जो पति की बाइक है वह भी बरामद की गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह बात सामने आई है कि जब कंचन देवी तथा उनकी मां सीता देवी आज अपनी जमीन की ओर जा रही थी, तो उनके पति के द्वारा वहां पर उनको रोका गया तथा उनके बीच में जो बहस है वो काफी बढ़ गई। इसी बहसा बहसी के क्रम में उनके पति ने उनके ऊपर गोली चला दी तथा दोनों मां बेटी को जख्मी कर दिया। अग्रिम कार्रवाई हेतु जो उनका पति है उनके ऊपर लगातार छापेमारी की जा रही है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।